हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं पहले आज के हमारे कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से है, मतलब 2018 का क्वेश्चन पेपर से है। क्वेश्चन है वो पॉलिटी से बिलोंग है, वो कर रहा है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट और हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट लोकसभा, यानी कि पहली लोकसभा में जो अपोजिशन की पार्टियां, हम बात करें यहाँ पे विपक्षी दल है, वो सबसे बड़ा एक राजनीतिक और स्वतंत्र पार्टी थी। मतलब पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी, मतलब अपोजिशन में स्वतंत्र पार्टी वो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 यानी 1969 में मान्यता है वो दी गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य नहीं हो तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, मतलब कम से कम 75 सदस्य होना चाहिए। हमें यहाँ पे पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो अब आप एक बार देखिए यहाँ पे। देखो, पहला स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि पहली लोकसभा में कोई भी बड़ी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि स्वतंत्र रूप से वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन का जन्म, या हम बोले कि अपोजिशन की पार्टी बनके उभरी हो, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 1969 में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ भाई लीडर ऑफ अपोजिशन नाम की भी कोई चीज है, वो है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो भी गलत है कि 75 सदस्य की बात यहाँ पे की गई है, तो ये स्टेटमेंट भी ऑब्वियसली साफ साफ गलत है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनली बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली डेजर्ट एरिया को लेकर। क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट एरिया में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को लेके, मतलब कि पानी का वहां पे जो भी उत्सर्जन होता है, वाटर लॉस होता है पत्तियों में, वो कम हो सके, इसके लिए क्या विशेषताएं होती हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, मतलब कठोर और वैक्सी का मतलब मोमी पत्तियां होती हैं। सेकेंड कह रहा है टिनी लीव, मतलब की छोटी पत्तियां होती हैं। थर्ड कह रहा है कि पत्तियों की जगह है वो कांटे होते हैं। अब हमें पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो यहाँ पे हम बात करें तो डेजर्ट एरिया में, जैसे मैं बताया कि डेजर्ट एरिया में वही पौधे रहते हैं जिनकी पत्तियां काफी छोटी होती हैं, और पत्तियां हैं वो मेनली कांटों के रूप में वहां पे दिखाई देती हैं, जिस तरीके से डंडा थोर हुआ एक तरीके से, या फिर हम नागफनी की बात करें, ये क्या हुआ, ये इसी का एग्जाम्पल है। और उनकी जो सतह है वो वैक्सी होती है, ऑयल जैसी होती है, ताकि पानी का उत्सर्जन वो कम से कम हो सके और कठोर होती है। तो मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 1/3, तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनजीटी को लेके है। क्वेश्चन में क्या गया, क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कि एनजीटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन ये है कि एनजीटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो दोनों में डिफरेंस पूछा है। पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया गया है कि एनजीटी है इसको एक एक्ट के तहत स्थापित है वो किया गया था। देखो ढंग से सुनना, स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एनजीटी है इसका गठन या इसका निर्माण है वो एक एक्ट के तहत है वो किया गया था, जबकि सीपीसीबी है ये एक एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के आदेश से बनाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एनजीटी है वो इन्वायरमेंट संबंधी जस्टिस है वो प्रोवाइड करवाता है, और जो हाई कोर्ट में जो भी मुकदमे होते हैं उनके भार को कम है वो करता है, ये यहाँ पे कह रहा है। जबकि कह रहा है कि सीपीसीबी है वो बेसिकली जो झरने हुए या फिर कुएं वगैरह होगी उसकी सफाई को प्रमोट करता है, तथा देश में एयर की क्वालिटी को सुधार लाने की तरफ फोकस है वो करता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि सीपीसीबी हमें आपको पता है कि भाई एक स्टेचुरी बॉडी है भी, ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अब हमें ध्यान में रखना एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रिप्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संसद है वो किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में डाल सकती है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 9th शेड्यूल में जो भी कानून वगैरह डाला गया है उसको कैन नॉट बी एग्जामिन, मतलब उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा, और ना ही उसके ऊपर कोई जजमेंट वगैरह की जा सकती है। ये कह रहा है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। देखो 9th शेड्यूल में 91 से पहले तो ये सीन था कि एक बार उसमें आपने कोई भी अमेंडमेंट करके एक्ट डाल दिया उस पर आप जुडिशरी रिव्यू वगैरह नहीं कर सकती, बट 1991 के बाद जुडिशरी ने ये केस डिसीजन लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनली कि देखो आप 9th शेड्यूल में कोई भी सब्जेक्ट डालो हम उस पर रिव्यू वगैरह कर सकते हैं, इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है।
तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एक्चुअली करंट अफेयर्स रिलेटेड है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला ये कह रहा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, मतलब इंडिया है वो गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट तो कंज्यूमर है जबकि इंपोर्ट करने में इंडिया नंबर वन पे है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया का जो गोल्ड की कंजप्शन है या गोल्ड की जो कंजप्शन की डिमांड है वो 2018 में 2013 की तुलना में कम हुई है। अब देखो यहाँ पे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। ये सेकंड फैक्टर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यार 2018 में इंडिया की जो कंज्यूमर डिमांड है वो कम हुई है, हाँ बिल्कुल कम हुई है 2013 के मुकाबले में, तो यह फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब यूपीएससी देखो कई बार क्या पूछती है कि पिछले पांच मतलब पिछले कुछ सालों से लगातार कम हुए, देखो लगातार कम होना थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, तो ऐसे जब ऑप्शंस वगैरह आते हैं ना तो उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक करंट अफेयर वगैरह में यहाँ पे में चीजें हैं वो पता चल जाती हैं कि भाई लगातार कम हो रहा नहीं हो रहा। मोस्टली ऐसे स्टेटमेंट है वो गलत ही होते हैं कि लगातार डिक्रीज हो रहा है लगातार इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट की बात यहाँ पे की गई है। तो देखो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटपुट जो रिपोर्ट है आउटलुक रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश की जाती है, और आपको बता दूं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA है वो बना था 1974 में जब गल्फ वॉर हुआ था, उसके बाद इसका निर्माण है वो किया गया था कि एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर है वो किया जा सके। इसके बाद में एक फिर आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वही कंट्री मेंबर होती है जो कि OECD की मेंबर होती है, जो कंट्री OECD के मेंबर है केवल उन्हीं में से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हैं, बट यह कोई जरूरी नहीं है कि OECD के जितने भी मेंबर हैं वो सारे IEA के मेंबर हों। ये जरूरी है कि अगर आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनना है तो आपको पहले OECD का मेंबर है वो बनना होगा, तो यह इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल आया है वो आया है IPRD। IPRD का मतलब है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। कंटेक्स्ट ये है कि सेकेंड एडिशन है IPRD यानी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का सेकेंड एडिशन है वो अभी न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पहला एडिशन है इसका देखो 2018 में लॉन्च जारी है वो किया गया था, तो ये आपको फैक्ट में ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे नाम से सर समझ में आ रहा है फुल फॉर्म से इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, मतलब इंडो पैसिफिक एरिया की बात की गई है, इंडो पैसिफिक एरिया के लिए रीजन है वो समिट है वो आयोजित है वो डायलॉग आयोजित किया जाता है। ये आयोजित कौन करता है वो इम्पोर्टेंट है। देखो 2018 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मतलब पीस है उसको प्रमोट करने के लिए सिक्योरिटी वगैरह के लिए। यह ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा और इसके साथ इंडियन नेवी, तो यह इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी और नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन है ये है, दोनों आपस में मिलकर इसमें काम है या दोनों इसको ऑर्गेनाइज है वो करते हैं, तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इसका मोटो क्या है, देखो इसका क्लियर क्लियर अगर मोटो की बात करें तो इसका मोटो यह है कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है ना इसके अंतर्गत इंडिया है वो अपना किस तरीके से रोल तो निभाता है और इंडिया के सामने क्या क्या तो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं कैसे कैसे इंडिया को डील करनी है कौन से चैलेंजेस है और किस तरीके से अपने आप के रिलेशन हैं या अपने आप की जो वैल्यू है वो आगे बढ़ानी है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया आपकी अपने आप की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को असर्ट करने के लिए ये समिट है या सॉरी ये डायलॉग है वो आयोजित किया जाता है। तो इंडो पैसिफिक एरिया में मेरीटाइम ज्योग्राफिकल एंटिटी की बात करें या फिर हम पीस की बात करें या फिर टेररिज्म की बात करें उन सब के लिए ट्रेड के लिए बेसिकली काम है वो करते हैं, तो ध्यान रखना है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का सेकंड एडिशन है वो इंडिया में आयोजित किया जा रहा है, नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन और इंडियन नेवी है वो इसमें टेक्नोलॉजी सॉरी नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम है वो करने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर। देखो कंटेक्स्ट अभी आया था कि प्रयागराज जो कुंभ मेला है उसको जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें शामिल अभी किया गया, क्योंकि इसमें कुछ तीन ऐसे इंपॉर्टेंट काम है। कौन कौन से तीन ऐसे एरिया हैं, एक तो ये रहा है कि लार्जेस्ट ट्रैफिक रहा है और क्राउड मैनेजमेंट प्लान काफी अच्छा रहा है कुंभ मेला का 2019 के का। इस बार ध्यान रखना कि 2019 का कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है, प्रयाग में। प्रयाग में गंगा और यमुना रिवर है वो आपको पता है मिलती है। इसके साथ ही दूसरा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ वो रीजन ये है कि देखो वहां पे स्कीम चलाई गई थी इसका नाम था पेंट माई सिटी स्कीम, मतलब जो सार्वजनिक स्थल है वहां पे पेंटिंग है वो करनी है, तो उसके तहत बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज है वो आयोजित की गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है वो क्या गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन से क्राइटेरिया कौन से रीजन की वजह से प्रयागराज कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है वो क्या गया तीन सेक्टर में। तीसरा यह है
कि बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म, मतलब जो कुंभ के मेल में काफी सारे लोग आए हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो उनका जो सैनिटेशन साफ सफाई की बात करें या फिर जो कचरा था उसको डिकम्पोज करना मैकेनिज्म है वो काफी अच्छी रही है और इसीलिए इनको शामिल है वो किया गया। तो ये तीन रीजंस की वजह से शामिल है वो किया गया। बाकी एक फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि जो कुंभ का मेला है उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में यूनेस्को के द्वारा 2017 में शामिल है वो किया गया था। अब यूपीएससी की बार क्या पूछ लेती है स्टेटमेंट में कि जो कुंभ का मेला इसको 2019 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया। नहीं भाई, 2017 में ही किया गया था। देखो इस बार हुआ है कुंभ का मेला जो आपको पता है कि हर 12 साल में होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है रेड सैंडर्स को लेके। देखो रेड सैंडर्स का मतलब होता है लाल चंदन। अब ये लाल चंदन जो नॉर्मल चंदन होता है ना जिसका तिलक वगैरह लगाते हैं उससे डिफरेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जो नॉर्मल हम चंदन के बारे में जानते हैं वो तो अपनी सुगंध के लिए मेनली फेमस है वो होता है, बट ये जो लाल चंदन है ना ये अपने लाल रंग के वजह से जाना जाता है। इसका रंग लाल है, वो प्योर लाल रंग है वो होता है और इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। कंटेक्स्ट देखो ये आई है कि पहले हमारे देश के अंदर जो लाल चंदन या जो रेड सैंडर्स था ना इसको बैन किया गया था, इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, सॉरी इसका जो एक्सपोर्ट है वो नहीं किया जा सकता इसलिए। और अभी कंटेक्स्ट यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी में परमिशन दे दी है कि भाई जो रेड सैंडर्स या जो लाल चंदन है, कौन सा लाल चंदन, जो कि खेतों में उगाया जा रहा है, ये ध्यान रखना जो लोग खेतों में अपने लाल चंदन उगाते हैं बेचने के लिए वही लाल चंदन केवल एक्सपोर्ट है वो किया जा सकता है, तो अभी अनुमति दे दी है। देखो हुआ क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ आपको, कुछ सालों पहले दिक्कत ये आई थी कि लाल चंदन जो कि इंडिया में ही मेनली पाया जाता है और इसकी फॉरेन कंट्री में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगा है बिकता है। अबाउट एक टन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के आसपास की रेट वो होती है, तो काफी ज्यादा डिमांड इसकी रहती है। इसकी देखो जो मेनली डिमांड है वो चाइना, जापान, इस कोरिया वाले एरिया में होती है, क्योंकि इसका मेडिसिनल सेक्टर में भी यूज है, वो मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है, इसके साथ ही फर्नीचर वगैरह में यूज किया जाता है, वुड क्राफ्ट हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में, ऐसे मतलब काफी सारे एरिया में इसका यूज है, वो बड़े तौर पे होता है, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी और इंडिया में यह प्रोड्यूस है, इंडिया में यह उत्पन्न है वो होता था। अब हुआ क्या था कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट के अंदर भी जो रेड सेंडर पे या लाल चंदन जो पाया जाता था ना इसको भी चोरी तरीके से स्मगलिंग की जाने लगी थी, तो गवर्नमेंट ने कंप्लीट तरीके से इसके ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो जो किसान इसको खेती करते थे रेड लाल चंदन की ताकि बाहर बेच के चक्के पैसे कमा सकें, वो भी एक्चुअली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो अभी इसीलिए उन किसानों को राहत मिल सके इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो कल्टिवेटेड लैंड पे लाल चंदन उगाया जाता है उसकी एक्सपोर्ट करने की अनुमति है वो दे दी है। तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि लाल चंदन है वो है क्या। अभी उसके कुछ फैक्ट देखते हैं। एक तो यह एंडेमिक है, क्यों, क्योंकि साउथ जो ईस्टर्न घाट है इसी के माउंटेन एरिया में पाया जाता है मेनली इंडिया के अंदर ही, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लाल चंदन है वो अपनी सुगंध के लिए फेमस नहीं है, ये रिच रेड कलर में, इसका लाल रंग वो काफी गाढ़ा होता है इसकी लकड़ी का और इसीलिए काफी वैल्यूएबल है वो होता है, कोई सुगंध वगैरह इसमें नहीं आती है। अगर हम बात करें इसे IUCN में तो IUCN की जो प्रोटेक्शन की लिस्ट है इसमें नियर थ्रेटनिंग लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, और बात करें साइट्स के अपेंडिक्स सेगमेंट में इसको शामिल है वो किया गया, तो ये छोटे से फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स टू बी सेटअप एट द ग्वालियर। कंटेक्स्ट यह है कि ग्वालियर के अंदर हमारे देश का सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है वो स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी जो स्पोर्ट्स है ना वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत है वो बनाया गया, तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि बनाया किसके तहत, स्टेचुरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव वगैरह। देखो हमारे देश में जो डिसेबल पर्सन है, जो दिव्यांग पर्सन है, उनके लिए स्पोर्ट्स में जो भी माहौल या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनको मौका मिल सके इंटरनेशनल लेवल पे, इन सब के लिए एक जो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी का निर्माण है वो किया गया है, जो कि ग्वालियर में स्थापित है वो किया गया है। तो इसका मोटो क्या होगा, इसका मोटो है कि हमारे देश में जो भी दिव्यांगजन है उनको सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन करके, उनको जो भी उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उनको और ज्यादा मतलब निहारा जा सके और फिर ग्लोबल लेवल पर उन पर रिप्रेजेंट है वो किया जा सके। तो हमारे देश में जो दिव्यांग है उनको सपोर्ट देने के लिए सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का निर्माण किया गया है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत है निर्माण किया गया है, ये बेसिकली इसका कंटेक्स्ट था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट तो वैसे ये था कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में आग है वो लग गई थी, तो काफी बड़ा नुकसान होने की बात की जा रही है लॉन्ग टर्म में।
बट हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व और इसके आसपास का एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको इसके बारे में लोकेशन ऐसी कैसे दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी वाइल्ड सेंचुरी है, काफी सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है। देखो ये आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे ये जो लाइन है इसके इधर वाला हिस्सा ये है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये तो है तमिलनाडु का। ये इधर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये है एक्चुअली कर्नाटका का, और ये जो थोड़ा सा आपको इससे दिख रहा है ना ये वाला, ये है एक्चुअली केरला का। तो ये तीनों के ट्राइन जंक्शन वाले एरिया पे है। अब ये दिख रहा है आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये देखो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन आपने देख ली, मैक्सिमम जो इसका हिस्सा है वो कर्नाटका में है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है उसका मैक्सिमम हिस्सा है वो तमिलनाडु में, और थोड़ा सा ऐसा गिना चुना थोड़ा बहुत है वो कर्नाटका में है। इसके साथ यहाँ पे का मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है ये तीनों के ट्राई जंक्शन वाले एरिया पे है, इसका भी मैक्सिमम हिस्सा वैसे तो तमिलनाडु में आता है। फिर आती है यहाँ पे वेमनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेमनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टुकड़ों में एक तो ये रहा छोटा टुकड़ा, एक ये दरिया रहा जो कि मेनली केरला की है। इसके साथ नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है तो वो यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके साथ यूपीएससी पूछ सकती है ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है कर्नाटका में है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी मेनली कर्नाटका और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, तमिलनाडु और इसके बॉर्डर पे है। तो यूपीएससी इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे काफी सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा भाई कहाँ पे है। और नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी यहीं पे पूरी वो पूरी ही पूरी कर्नाटका में, तो ये थोड़े छोटे से फैक्ट यूपीएससी में भी पूछ लें। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।